नमस्कार मित्रों, डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल पर मैं पुष्पेंद्र गुर्जर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, कुछ पंक्तियों से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लाड दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाड दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही लेकिन हाथ उठाए रखिए, हाथ खाली ही सही लेकिन हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है कि छन्नी में पानी नहीं रुक सकता, कौन कहता है कि छन्नी में पानी नहीं रुक सकता। बर्फ बनने तक धैर्य बनाए रखिए, बर्फ बनने तक धैर्य बनाए रखिए। इन पंक्तियों को साकार करने जो साकार किया है, हकीकत में जो बदला है, हमारे साथ उपस्थित है आज आरएस भरत सिंह गुर्जर साहब और डॉक्टर बच्चन सिंह जी। तो इनकी ओर से भी आप सभी को काफी दिन हो गए, फिर भी अभी नंबर चल ही रहा है, जनवरी जनवरी तो नंबर रहेगी, तो एक बार सभी सर आप भी हमारे जो चैनल के विद्यार्थी हैं उनको नंबर्स की शुभकामनाएं दें। सभी को नंबर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया साल आपके लिए मंगलमय हो, आपका लक्ष्य आपको मिले, ऐसी शुभकामनाएं हमारी। और सर आप जहां भी जाते हो, काफी सेशन मैंने आपके देखे हैं और काफी आपने सोशल समाज में भी आप बहुत वर्क करते हो, तो एक नई ऊर्जा और एक नई छाप आप छोड़ करके आते हो। तो हमारे चैनल के विद्यार्थियों को सबसे पहले तो आप एक आपका परिचय आप अपनी जवान से ही एक बार बयां करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे विद्यार्थियों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जैसा कि सर ने अभी बताया, मैं भरत गुर्जर और मैं बेसिकली टोंक से हूँ। पिछले 9 साल से मैं शासन सचिवालय में अपनी सेवाएं दे रहा था सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पे, और अभी रिसेंटली आरएस 2018 में मेरा चयन हुआ है। 35वीं रैंक मेरी उसमें है और एमबीसी कैटेगरी में मेरी फर्स्ट रैंक है। तो बस इतना सा परिचय है, बाकी आदमी का परिचय उसका काम देता है। तो आप भी, मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने आप को ऐसा मजबूत बनाइए, अपने कामों को, अपने कर्मों को इतना मजबूत बनाइए कि आपका नाम आपका परिचय नहीं हो, आपके कर्म आपके परिचय हो। सर आप भी हमारे चैनल पे कई बार आ चुके हैं, तो एक बार आप भी अपनी जुबान से बच्चों को अपना। हाँ देखिए, मैं तो यही कहूँगा सबके लिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं जी, आप जितनी मेहनत करते जाओगे उतने निकलते जाओगे, और मेहनत करने से कॉन्फिडेंट आता है। यदि विश्वास आत्मविश्वास लाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है, और जिसने मेहनत की है उसका परिणाम भी है। तो मैं लंबी लेता हूँ थोड़ी सी, तेरे सारा भरत जी को भी देखिए हम लोग समय ज़्यादातर क्योंकि हम लोग हमें सुनते हो। तो देखे जैसे सूर्य किरण है समुद्र पर गिरती जी, तो वो हो गया हमारा जो सूर्य किरण मेहनत है, और उसके वाष्पीकरण हो समुद्र का पानी कितना बहुत खारा पानी पी नहीं सकते, और जैसे वो इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होकर पानी की बोतल में होता है, इतना प्योर पानी बनता है, हर कोई चाहता है कि मुझे सीधा प्योर वाटर। तो नेगेटिव क्या था? लवण। और पॉजिटिव हुआ तो क्या बन गया? वो पीने योग्य पानी बन गया। तो ये सारा खेल मेहनत का है, आपकी सोच का है, आपके कर्म के ऊपर है। कौन व्यक्ति आपके नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है? और बार बार मैं कहता हूँ, सोच किताब दोष मिल, और जैसे हम लोग बोलते हैं अपनी जो इच्छा है, जो सोच है वो यदि गलत है तो मंजिल तक बिठा कर तो आपको बिठा कर, और यदि अच्छे हैं तो आपको एक अच्छे रास्ते। अब बात ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, अब भरत जी सुनिए हम लोग इनकी जबान से, ये जहाँ भी जाते हैं एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। नहीं तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो चैनल के विद्यार्थी हैं उनमें एक नई एनर्जी आए और एक नई ऊर्जा के साथ में आप कंडीशन की दुनिया में उतरे और मंजिल तक पहुँचे, ऐसी शुभकामनाएं हमारे साथ में। सर मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि आप कहते हैं कई लोगों को कहती है कि भाई एक सीढ़ी दर सीढ़ी चलना चाहिए और फिर जाके मंजिल, कई क्या कहते हैं डायरेक्ट ही आरएस की करो, अगर सीढ़ी दर सीढ़ी में बहुत टाइम लग जाता है। आपने ये मतलब साकार करके दिखाया कि 9 साल एक सर्विस करते हुए, बहुत से सर्विस वाले जो हमारे साथी हैं वो बहाना लगाते हैं सर टाइम ही नहीं मिलता, सर्विस से थक जाते हैं, ये हो जाता है, आपने उसके लिए टाइम निकाल करके और 35वीं रैंक और राजस्थान बहुत बड़ी वो उपलब्धि है, 35 बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो आप अपने हिसाब से आप हमारे विद्यार्थियों को बताओगे कि आरएस की तैयारी कैसे करें, कहां से स्टार्ट करें, और आपका क्या एक्सपीरियंस और अनुभव रहा है इस क्षेत्र में?
देखो तैयारी चाहे आरएस की हो, चाहे सेकंड ग्रेड टीचर की, फर्स्ट ग्रेड टीचर की, कॉलेज लेक्चरर की हो, कोई सी भी तैयारी हो, मेन जो सबसे मुख्य खेल है वो आपके विल पावर का है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। कोई भी तैयारी की शुरुआत सपने से होती है कि हाँ मुझे ये करना है, और फिर उस सपने को आप कितना जीते हो ये डिपेंड करता है कि आपकी सफलता का रेशियो क्या रहेगा, आपको कितनी सफलता उसमें हासिल होगी। तो जो मुख्य चीज है जो आपको सफलता तक लेके जाएगी या नहीं लेके जाएगी वो ये है कि आप अपने सपने को, आपका जो लक्ष्य है उसको आप दैनिक जीवन में कितना जीते हो। सपना देखना बहुत आसान है, हर कोई सपना देख सकता है, लेकिन मुश्किल है उसको फॉलो करना, उसको डे बाय डे डेली लाइफ में जीना और अपनी जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसको फॉलो करना। जैसा कि सर ने अभी बताया कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन कड़ी मेहनत आदमी जब ही कर सकता है जब सपने के प्रति उसमें जीवंतता हो और वो उस सपने को फॉलो करने के लिए फिर सारी चीजें उसको, कोई बहाना उसके आड़े नहीं आता कि मैं जॉब में हूं, मेरे को समय नहीं मिलता, मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पे हर आदमी की अपनी कुछ परिस्थितियां हैं, अपनी कुछ मजबूरियां हैं, कोई भी आदमी 100% अनुकूलताओं में यहाँ पे नहीं है। हो सकता है कुछ आदमी को 60% अनुकूलताएं हैं, 40% प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन सर्वथा अनुकूलताएं किसी भी आदमी के जीवन में नहीं है। तो आप अपने सपने को कितनी जीवंतता के साथ जीते हो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी सारी प्रतिकूलताएं वहां पे जाके खत्म हो जाती हैं। आप घनघोर प्रतिकूलताओं में से रास्ता अपने लिए वहां से तलाश कर लेते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप सपना देखिए, बड़ा सपना देखिए, अच्छे सपने देखिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसमें लगे रहिए, क्योंकि दृष्टिकोण का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपका पॉजिटिव दृष्टिकोण है, सकारात्मक नजरिया है चीजों के प्रति, तो मेरा ये विश्वास है और आप तय मान के चलिए कि आपको रास्ते में केवल और केवल पॉजिटिव चीजें ही आपको मिलेंगी। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो ज्यादा नेगेटिव चीजें आपको बार बार वही चीजें हो जाएंगी आपको। बिल्कुल। तो जितना ज्यादा आप सकारात्मक तरीके से चीजों को लेंगे, और बाधाएं डेफिनेटली 100% आएंगी, मुश्किलें कोई उनको नहीं जीत सकता। आप चाहे जिस भी पोजीशन में हो, आपको अगर कमजोर पोजीशन में हो तो छोटी बाधाएं हैं, बड़ी पोजीशन में है तो बड़ी बाधाएं हैं, लेकिन ये सबके जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। तो बाधाओं से आपको कभी नहीं घबराना है, चैलेंजेस सबके जीवन में है ये आप तय मान के चलिए। तो इन सभी को दरकिनार करते हुए, सभी को साइड में रखते हुए, जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, और मैं तो ये भी कहता हूं कि कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं है, आप में उसको पाने की जरूरत होनी चाहिए, उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और अगर आप अपना 100% देते हैं तो फिर आप कुदरत का चमत्कार देखिए, फिर आप जो नहीं सोच सकते वो चीजें आपको मिलेंगी। फिर मैं एक सवाल पूछूं। जी जी हाँ, हमारे कई विद्यार्थी जी अभी स्कूल व्याख्या दे रहे हैं, जिनमें से 90% विद्यार्थी हमारे ऑलरेडी जॉब जी। अब उनके पास समस्या होती है कि सर हम लोग कैसे पढ़ें जी, और कैसे टाइम निकालें जिससे हम लोग स्कूल व्याख्या था जी। और ये मेरे पास कई प्रश्न होते हैं, कई बार उन्होंने समाधान दिया है, तो मैं चाहता हूँ आप इसको अप्रोच करके बताएं हमारे दर्शकों, मुझे पता लगे जी कि वो भी आपकी शिक्षा होती है पढ़े। गवर्नमेंट जॉब में जो भी साथी है और वो अपनी जॉब को इम्प्रूव करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी सोच सराहनीय है, काबिले तारीफ है कि आप खुद में विकास करना चाह रहे हैं, और विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, ये चलता रहना चाहिए। आदमी जिस दिन अपना विकास रोक देगा उस दिन वो एक तरीके से मृत प्राय हो जाएगा। तो विकास निरंतर होता रहना चाहिए। तो जो भी साथी जो जॉब में है और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपनी सर्विस को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो बहुत काबिले तारीफ उनकी सोच है। तो जॉब के साथ तैयारी करने में सबसे जो मुख्य चैलेंज है वो है टाइम मैनेजमेंट का। सबसे जो मेन चीज है वो टाइम मैनेजमेंट की है, और ये सभी के साथ दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट की। तो जॉब में अगर आप हैं तो थोड़ा लंबा टाइम लेके चलें और डेली अपने टारगेट फिक्स करें कि मेरे को 4 से 5 घंटे डेली पढ़ने हैं। और चाहे कोई सी भी जॉब हो, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है क्योंकि मैं खुद सेक्रेटरेट में था और वहां पे वर्कलोड भी खूब अच्छा खासा रहता है जी। तो
चाहे कैसी भी आपकी जॉब हो, आपको 4 से 5 घंटे आराम से उसके लिए मिल जाएंगे। और अगर 4 से 5 घंटे आप डेली निकालते हैं तो अच्छी खासी तैयारी, मतलब आपका बेस अच्छा बन जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आता है, जैसे 2 महीने या 3 महीने एग्जाम के रह गए, तो फिर आप वहां से छुट्टी लेके, अवकाश लेके, जैसे मेडिकल लीव आप ले सकते हैं या पीएल वगैरह आप ले सकते हैं। और वहां पे आपको एक और चीज करनी है कि आपका जो भी वर्क स्टेशन है, जहां पे आपका ऑफिस है, वहां पे आपको बहुत कोऑपरेटिव टाइप का वातावरण बना के रखना है, ताकि लोग आपको पीछे नहीं खींचे और आपको वहां से सकारात्मक एनर्जी आपको मिले। कई बार लोगों की एनर्जी आपको प्रभावित करती है कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनकी इमोशंस आपके लिए कैसे हैं, तो वहां से आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं मिलनी चाहिए। और पॉजिटिव एनर्जी अगर आपको मिलेगी, जैसे वो चाहते हैं कि आप आगे निकलें, वो लेग पुलिंग नहीं करना चाहते, आपको पीछे नहीं खींचना चाहते, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा रहता है, आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं। तो लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करिए, लोग आपके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे। आप अगर 1 कदम चलेंगे, लोग आपकी तरफ 2 कदम चल के आएंगे। तो एक ऑफिस में आप अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखें और अपना टाइम शेड्यूल इस तरीके से सेट करें कि आपको 4 से 5 घंटे वहां पर मिले। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक बहुत सारी चीजों को आप स्किप कर सकते हैं, जैसे आपकी डे बाय डे जो चीजें होती हैं, दोस्तों के साथ बैठ के गपशप करना बहुत जरूरी चीज है, करनी चाहिए, लेकिन उसको कट कर सकते हैं। जैसे आप 2 घंटे बैठ के बातें कर रहे हैं, 10 मिनट बैठ के आप बातें कर सकते हैं। दोस्तों के साथ बैठना बहुत जरूरी है। मैं कभी नहीं कहता कि आप दोस्तों के साथ मत बैठिए, क्योंकि मैं पूरी तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के दौरान डेली दोस्तों के साथ बैठता था, बातें करता था, और उसके बावजूद मैं 5 से 6 घंटे डेली पढ़ रहा था। तो ये हमारे ऊपर है कि हम टाइम का कैसे उपयोग करते हैं। सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। आप अगर चाहें किसी भी जॉब में हो, और टीचर्स, जैसा कि सर ने बताया कि 2nd ग्रेड का जो टीचर है वो 1st ग्रेड में इम्प्रूव करना चाहता है, 3rd ग्रेड के टीचर हैं वो 1st ग्रेड में इम्प्रूव करना चाहते हैं, या कॉलेज लेक्चरर में इम्प्रूव करना चाहते हैं, मेरी नज़र में कम से कम मैं ये मानता हूँ, हो सकता है आपको ये लगता हो कि यार हमें ही पता है कि कैसे नौकरी 2nd ग्रेड की करते हैं या 3rd ग्रेड की करते हैं, लेकिन टीचर की जॉब में टाइम निकालना मेरे हिसाब से बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, जितना कि आप मिनिस्ट्रियल कैडर में या अन्य सर्विसेज में जाओगे। राजस्थान पुलिस में रहते हुए कई लोगों ने 10-10, 12-12 साल राजस्थान पुलिस में रहके और अभी आरएस में सिलेक्शन लिया है। सर वो दिल्ली पुलिस का उदाहरण है, वो दिल्ली पुलिस में अभी एक साथी हमसे मिले थे, वो दिल्ली पुलिस में रहते हुए बाद में उन्होंने नवोदय में स्विच किया और फिर बाद में अब वो आरएस की तैयारी कर रहे हैं। झुंझुनू से है। तो राजस्थान पुलिस जैसी जॉब में रहते हुए जहाँ पे 24 आवर्स की उनकी ड्यूटी है, और वहां से लोग जब तैयारी कर सकते हैं, तो टीचर की जॉब में रहते हुए, और फिर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने लिए स्थान कैसे बनाते हैं, अवसर कैसे तलाशते हैं। अवसर कभी आपको बने बनाए नहीं मिलेंगे साथियों, अवसर हमेशा पैदा करने पड़ेंगे और वो हमें पैदा करने ही होंगे। तो टाइम मैनेजमेंट इसके लिए सबसे जरूरी है, इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आरएएस अपने आप में लोगों को लगता है, विद्यार्थियों को लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है और वैकेंसी आती है, फिर 3 साल बाद दोबारा से चांस मिलता है, तो एक एक बार कंडक्ट करना और बहुत अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल है। तो प्री से ही हम ले लेते हैं, आपने 35 रैंक लिए तो आपका अनुभव ज्यादा रहा है, कि पहले प्री कैसे क्लियर करें, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, किस प्रकार की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो हम उसको फाइट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि आरएस की तैयारी में कम से कम 1-1.5 साल का टाइम लगता है। तो और इस दौरान होना ये चाहिए कि आप मेंस की तैयारी करो, मेंस के सिलेबस को फॉलो करो स्टार्टिंग से, और जिन सेक्शंस में, जिन सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत है उनमें आप कोचिंग ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे समझते हैं, इसमें कोई आपको ये राय नहीं दे सकता कि आपको कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने कोचिंग नहीं की, पूरी कोचिंग नहीं की, कुछ सब्जेक्ट्स में जिनमें मेरे को दिक्कत थी उनमें कोचिंग की। तो आप मेंस को फॉलो कीजिए, और जब मेंस का आपका सिलेबस एक बार कवर हो जाए तो लगभग 7 से 8 महीने या 8-9 महीने में आपका मेंस का सिलेबस एक बार कवर हो जाएगा। उसके बाद में आप प्री के सिलेबस को एक बबार प्री के एग्जाम से पहले, जब 2-3 महीने एग्जाम में रह जाए, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। प्री के सिलेबस को आप कंप्लीट कर लें, फिर
आपका प्री होने में ज्यादा दिक्कत इससे नहीं आएगी, क्योंकि आपने मेंस का सिलेबस पहले कवर किया हुआ है और मेंस और प्री के सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप मेंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो प्री क्वालिफाई होने में मैं समझता हूं कि ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। और प्री जैसे आपका जिस दिन आपका प्री हो जाएगा आप कॉन्फिडेंटली उसको क्वालिफाई क्रैक कर लेंगे, दूसरे दिन से आप मेंस की तैयारी वापस स्टार्ट कर सकते हैं। तैयारी क्या, एक तरीके से रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरीके की जो एग्जाम्स होती है जिनमें हमको लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा बार हो, क्योंकि जितना आप रिवीजन करोगे उतना आत्मविश्वास आप में आएगा और आत्मविश्वास से अच्छे उत्तर लिखे जा सकते हैं। तो यही एक तरीका है कि मैं प्री से पहले आपका मेंस का सिलेबस क्लियर हो, लगभग मतलब सिलेबस तैयार हो, और प्री के बाद में फिर आप उस सिलेबस को अच्छे से फॉलो कर सके तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी इसके लिए हो जाएगी। मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ जी, आपके जो फोर्थ पेपर है आप उसे इवोल्यूशन कर रहे हैं, एवोल्यूएट कर रहे हैं जी, तो उनके बारे में भी दर्शकों को बता दें जी, यदि कोई विद्यार्थी को जुड़ना चाहता है और कैसे मतलब आपसे किस माध्यम से जुड़ सकता है, आपकी सेवाएं ले सकता है और आपके अनुभव सीधा आ रहे हैं तो किस माध्यम से? जैसा कि सर ने बताया, मेरे RS फोर्थ पेपर में जो लैंग्वेज का पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश का, उसमें मेरे 137 मार्क्स है और उसने बहुत अच्छे लीड मुझे यहाँ तक पहुँचाने में दी है, बहुत अच्छे मार्क्स कैसे कह सकते हैं। तो इसके लिए कई साथियों का ये था कि उन्होंने व्यक्तिगत मिलके ये कहा कि फोर्थ पेपर में हमें आपकी मदद चाहिए, तो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज रैंक अप इनिशिएटिव के नाम से एक टेस्ट सीरीज अवेलेबल हम करवा रहे हैं जी। तो उस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप रैंक अप का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे जो वीडियोज है फोर्थ पेपर के लिए या RS की स्ट्रेटेजी के लिए वो आपको YouTube पे अवेलेबल हो जाएंगे। भरत गुजर RS 2018 के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है जी। तो आप उस पे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, दोनों जगह बिल्कुल हाँ। तो यूट्यूब पे आप मेरे को सर्च कर सकते हैं, मैं वहां पे अवेलेबल हूँ और आपको जो भी RS स्पेशली फोर्थ पेपर में, क्योंकि आपको जनरल स्टडीज जो तीन पेपर है उसमें आपको बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे साथी हैं बताने के लिए, ये फोर्थ पेपर एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे वैक्यूम भी है, कंटेंट की भी कमी है, तो इस कंटेंट को फिलअप करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया था। बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रहा है, तो आप उससे आपके साथ अभी 200-250 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जी, बिल्कुल। उसमें उसमें अच्छी बात यह है कि जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है, क्योंकि सोने पर सुहागा, उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो प्रयास हम कर रहे हैं और हमारे प्रयासों की बदौलत अगर स्टूडेंट्स को इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो इससे बड़ी और सुपर की बात क्या हो सकती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो हमारे चैनल के विद्यार्थी हैं और अमूमन विद्यार्थियों में एक सस्पेंस और एक वो माहौल क्रिएट रहता है कि सर कितने घंटे पढ़ने वालों का RS, यानी RS अगर मेंस क्लियर करना है तो कई में रहता है कि 18 घंटे पढ़ने वाले का RS मेंस होता है, कोई बोलता है कि 5 घंटे वाले का, तो अलग अलग इंटरव्यू आते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे कि कितना पढ़ना चाहिए? बिल्कुल, ये बड़ा विवादास्पद प्रश्न है और कई लोग तो इसमें ये कह देते हैं, इतना तक कह देते हैं कि 15 घंटे पढ़ने चाहिए, तो 24 घंटे में से आदमी 15 घंटे कैसे पढ़ सकता है, ये बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आदमी 15 घंटे 24 घंटे में से पढ़ सके, और अगर वो पढ़ भी रहा है 15 घंटे तो मैं नहीं समझता कि उसकी लर्निंग हो पा रही है, क्योंकि 15 घंटे लर्निंग पॉसिबल नहीं है। मैं तो यहाँ तक भी समझता हूँ कि 12 घंटे भी आदमी इफेक्टिव लर्निंग नहीं कर सकता अगर पढ़ता है तो। खैर, ये आपकी क्षमताओं पे डिपेंड करता है, अगर आप ये मानते हैं कि आप 12 घंटे पढ़ के उसको समझ भी पा रहे हैं और आपकी लर्निंग भी इफेक्टिव हो रही है तो मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप कम पढ़िए, आपकी क्षमताएं ज्यादा काबिले तारीफ है, क्षमताएं हैं आप में तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव आपको बताता हूं, तो मैं कंटिन्यूअसली 6-7 घंटे इस तैयारी के दौरान पढ़ रहा था, मैं 8 घंटे कभी नहीं पढ़ पाया 6-7 घंटे, लेकिन मैं डेली 6-7 घंटे पढ़ रहा था, इसमें बामुश्किल कोई गैप आया होगा, किसी दिन बाहर चला गया या कोई फ्रेंड्स आ गए तो उस दौरान मैंने जरूर स्किप किया, बाकी 6-7 घंटे मैं डेली पढ़ रहा था। और
मेरे हिसाब से अगर आप लंबी तैयारी लेके चलते हैं, एक डेढ़ साल का टाइम देते हैं, तो 6 से 7 घंटे सफिशियंट है आपकी तैयारी के लिए। और इससे ज़्यादा जरूरी यह है कि आप कोई सी भी तैयारी करें तो दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रखें, क्योंकि मैंने खुद अपनी तैयारी के दौरान ये अनुभव किया है, ये सबसे बड़ी बात है, जो जितना ज़्यादा प्रेशर लेके चलते हैं उनकी परफॉर्मेंस उतनी ही खराब रहती है। तो बिना प्रेशर के तैयारी करें, वैसे थोड़ा मुश्किल है, हल्का प्रेशर चलेगा वो आपको पॉजिटिव, एक तरीके से उसको जो प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर कहते हैं वो होना चाहिए, लेकिन तनाव इसमें कभी भी नहीं लेना चाहिए। वो किसी ने कहा भी है कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। तो बिना आप स्ट्रेस लिए, स्ट्रेस थोड़ा बहुत तो खैर स्वाभाविक है, वो होता है, हाँ एग्जाम का पार्ट है और वो जरूरी भी है। अगर बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे तो तैयारी हो नहीं पाएगी, लेकिन दबाव की स्थिति में या अवसाद की स्थिति में पहुंचने जितना स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना आप कूल माइंड रहकर तैयारी करोगे उतनी ज्यादा इफेक्टिव आपकी तैयारी होगी। तो पढ़ने के जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी क्षमताएं हैं, कितने घंटे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि 7 से 8 घंटे पर्याप्त है। और साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है कि 7 से 8 घंटे की इफेक्टिव लर्निंग आदमी कर सकता है। ज्यादातर लोग मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादातर लोग, हो सकता है आप 12 घंटे पढ़ रहे हो आपकी लर्निंग इफेक्टिव हो रही हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ये है कि 8 घंटे के बाद में वो केवल किताब लेके बैठे रहते हैं, उनकी लर्निंग इफेक्टिव नहीं रहती है। घंटे पूरे हो गए भाई, लर्निंग इतनी हो पाती है। हाँ। कहते हैं क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में, अगर कुछ पाना चाहो और नहीं पा सको, अगर कुछ पाना चाहो और नहीं पा सको तो समझ लेना कुछ अच्छा लिखा है इन हाथों की लकीरों में, कुछ अच्छा लिखा है इन हाथों की लकीरों में। अच्छा मैं पूछना चाहूंगा सर आपसे, क्योंकि कई हमारे साथी हैं और मैं खुद हूँ, 2 बार दे चुका हूँ RAS, तो मतलब जैसे 2 बार देने के बाद में एक नेगेटिविटी सी आ जाती है कि पता नहीं अब अपने को रास्ता चेंज कर लेना चाहिए या फिर इसी में और प्रयास करना चाहिए। तो जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे साथी मित्रगण हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि उनको किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी बदल लेनी चाहिए या फिर किस प्रकार से आप प्लानिंग चेंज करके क्या करना चाहिए एक बार? इसका उत्तर मैं एक लाइन में देना चाहूंगा कि भले ही हार जाओ लेकिन हार मत मानो। तो सफलता असफलता जीवन के हिस्से हैं, ये कभी भी संभव नहीं है कि हमें जीवन में हमेशा सफलता ही मिले, और ऐसा भी संभव नहीं है कि केवल असफलताएं ही हमें मिलेंगी। ये चढ़ाव उतार चलता रहता है, कभी सफलता कभी असफलता, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इसमें पॉसिबल है कि आप भले ही हार जाए लेकिन हार नहीं माननी चाहिए कभी भी। पिछले अनुभव से हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि कहाँ गलती रह गई, किस सेक्शन में गलती रही है। जैसे 2016 का मेंस मैंने दिया था, अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरा जो पहला प्रयास था 2016 का, और उसमें इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया था। तो 2 ऑप्शन थे मेरे पास कि या तो मैं हार के बैठ जाता, सेटिस्फाई हो जाता कि यार प्रयास कर लिया, एक बार अपने पास सेक्रेटरी की जॉब है ऑलरेडी और शायद अपना सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाएगा, ये सोच के बैठ सकता था, एक ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन ये था कि यार पहला प्रयास किया है, अच्छे नंबर आए हैं, एक बार प्रयास और करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि दूसरी बार के बाद में भी एक प्रयास फिर और करना चाहिए, तीसरी बार प्रयास फिर करना चाहिए, करना चाहिए। तो हाँ, तो भले ही हार जाओ लेकिन हार मत मानो, और अगर आप हार नहीं मानोगे तो आप यकीन मानिए एक दिन आपकी जो जीत है वो इतनी शानदार होगी कि आप खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे। अच्छा कहते हैं जोश जुनून और ताकत का दुनिया में कोई सानी नहीं, जोश जुनून और ताकत का दुनिया में कोई सानी नहीं, और जिसके पास है दौलत उसे जिंदगी में कोई परेशानी नहीं, उसे जिंदगी में कोई परेशानी नहीं। अच्छा सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे काफी विद्यार्थी हैं चैनल के, उनकी एक क्यूरी रहती है सर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है बस हमको हिस्ट्री याद हो गई, या फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं तो ऐसे लगता है फर्स्ट पेपर पे हमारी कमांड हो गई, जैसे हम सेकंड पेपर पढ़ना चालू करते हैं तो धीरे धीरे करके फर्स्ट पेपर निकलना चालू, फिर थर्ड पे जाते हैं तो सेकंड निकलना चालू। तो मतलब पढ़े हुए को कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए अपन को क्या कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? आप जितने भी लोग तैयारी करते हैं ये सबकी कॉमन समस्या है, ये सबकी, मैं भी उसमें शामिल हूँ कि जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, याद प्रॉपरली नहीं रहता है। तो इसमें यह है कि भूलना
कभी भी अभिशाप नहीं है, ये वरदान है। अगर हम नई चीजों को, पुरानी चीजों को नहीं भूलेंगे तो नई चीजें कैसे याद रखेंगे। लेकिन फिर भी एक साइंटिफिक थ्योरी है कि आप चीजों को ज्यादा देर तक कैसे याद रख सकते हैं। इसके लिए दो तीन चीजें आपको करनी है। एक तो रिवाइज का शेड्यूल, आप अपने स्टडी का शेड्यूल ऐसा बनाइए कि चीजें ज्यादा से ज्यादा रिवाइज हों। अगर आप किसी भी कंटेंट को महीने तक नहीं पढ़ते हैं एक बार पढ़ने के बाद में, तो 60-70% गायब हो जाता है। तो आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि वीक में एक बार उनका रिविजन करें, और आरएस मेंस से पहले आप पूरे सिलेबस का 2-3 बार रिवीजन कर लें। तो मैं ये मानता हूं कि ज्यादातर चीजें आपको याद भी होंगी। और याद करने का मतलब आप ये कतई नहीं लें कि जैसा नोट्स में लिखा हुआ है या बुक में लिखा हुआ है वैसा का वैसा हमको रटना है, वो नहीं। हाँ, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो याद करने का मतलब ये है कि जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उसका बेसिक समझ आपको हो जाए और एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हो जाए, उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर आपको कंटेंट या लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज या वर्ड टू वर्ड याद करने की आप कभी कोशिश नहीं करें। रटने से आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि रटी हुई चीजें एग्जाम में फिर वो गायब हो जाती है, वहां पे वो साथ नहीं रहती। इसलिए प्रैक्टिकल समझ बनाने की कोशिश करें, उससे लर्निंग भी होगी। और एक ये है कि अपने दोस्तों के साथ, सेम माइंडसेट वाले दोस्तों के साथ बैठ के आप डिस्कस कीजिए चीजों को, तो उससे डिस्कशन से भी चीजें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। लेकिन डिस्कशन करते हुए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए कि डिस्कशन एक तो उस साथी से हो जिसका लेवल आपसे समान हो, न तो ज्यादा लेवल का हो न कम लेवल का हो, क्योंकि ज्यादा लेवल वाला डिमोरलाइज कर देता है कि यार इसको इतना आता है, मेरे को कुछ आता नहीं आता। और अगर जिस साथी से आप डिस्कस कर रहे हैं वो आपसे कम लेवल का है, तो वो डिस्कशन उतना फ्रूटफुल होगा नहीं। तो डिस्कशन आप जरूर करें, चाय की थाली पे बैठ के करें या कहीं भी आप खाना बनाते टाइम डिस्कशन कर सकते हैं। टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपको करना है, और डिस्कशन से बार बार चीजों को दोहराने से, और आप कुछ कोड्स बना के भी चीजों को याद कर सकते हैं। ये अलग अलग टेक्निक्स हैं, आप पे जो टेक्निक आपको सुटेबल होती है वो टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, मैं हमारे YouTube चैनल के विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, जो डिस्कवरी क्लासेस YouTube चैनल है, इस पे आपको राजस्थान पुलिस की हो, आरएएस की हो, या स्कूल लेक्चरर या फिर सेकेंड ग्रेड की हो, सभी की जो फर्स्ट पेपर की, आरपीएससी की हो या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाई जाती है, तो आप हमारे डिस्कवरी क्लासेज यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। और मैं साथ ही डॉक्टर साहब से भी जानना चाहूंगा कि हमारे जो विद्यार्थी जो हमको देख पा रहे हैं उनको एक बार आप बताएं कि अगर आपकी सेवाएं लेना चाहें तो किस किस फील्ड में आपकी सेवाएं हैं और किस माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब का अध्यापन के फील्ड में बहुत लंबा अनुभव है, और सबसे जो मेन चीज है वो है कि कभी भी गलत सलाह स्टूडेंट्स को नहीं देते। ये कोचिंग के फील्ड में अब तक जो भी मेरे को मिले हैं उनमें एकमात्र ऐसी शख्सियत है जो कभी भी अपने लाभ के लिए, वरना कोचिंग वाले कभी भी स्टूडेंट को इतनी अच्छी या इतनी स्पष्ट सलाह नहीं देते कि आप यहाँ ज्वाइन करना देते हैं वो। बिल्कुल, तो ये खास बात इनकी मैंने देखी है कि इनके लाभ से परे जाकर ये उनको, चाहे भले उनको कड़वी लगे हो उस टाइम, लेकिन ये इनके लाभ से आगे उनका लाभ रखते हैं, उनके फायदा रखते हैं। बहुत अच्छी, ये तो मैंने खूबी है, तो इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और अब आगे आपको गुरु जी बताएंगे। देखिए, ये सब आप लोगों का प्रेम और बड़प्पन है। मैं तो एक छोटा सा कार्य करता जा रहा हूँ, मैं जो घर से बनता जाए मैं करता जा रहा हूँ। तो हम लोग भरत भाई पुष्पेंद्र, हम लोग क्या नेचर पढ़ते हैं, और नेचर में हमने एक वर्ड रखा था एनिटी यू आर यू में हो गया आ, 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 सारे हो गए, और टी में हो गया हमारा टाइम जी, आर में हो गया हमारा रिवाइज, ई में हो गया हमारा एनर्जी। नेचर भी अपनी एनर्जी को रिवाइज रखती है। बिल्कुल, तो हम भी अपने एनर्जी को रिवाइज कर सकते हैं, हम भी अपने पॉलिसी को बदल सकते हैं। यदि एनर्जी के नेचर चाहती है पब्लिक का कल्याण हो तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपका बड़प्पन है, हम लोग हमें इतने सम्मान दे रहे हैं, हमें तो जितना बन सकता है उतना करें ही काम होगा। बस एक ये ध्येय हमारे लिए कल्याण, और हमसे जुड़ना चाहते हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं, तो हम लोग सब
YouTube माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। नाम बता दीजिएगा। अभिप्राय भाई डॉक्टर बच्चन सिंह है जी, वहां से आप जुड़ सकते हैं, ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, कोचिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं, रिद्धि सिद्धि जयपुर है वहां जुड़ सकते हैं, और भूगोल के लिए जुड़ सकते हैं, आरएस के लिए आप इनसे जुड़ सकते हैं, फोर्ड पेपर में आपको बहुत अच्छा करेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत है, मैं काफी दिन से दिख रहा हूँ शायद नहीं सर, बहुत मेहनत करते हैं जो सर प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, शायद इनकी जो मार्किंग सिस्टम है वो इतनी अच्छी किसी और की नहीं होगी, बाकी बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन ये पर्सनली मेरा अनुभव है, और आप लोग मेहनत कर रहे हैं उसमें तो भाई आप लगातार लोगों को फ्री पढ़ा रहे हैं, अच्छा लगा, चलो कोई तो व्यक्ति बहुत अच्छा, आपके अपने दर्द को समझकर दूसरे को दर्द को समझते हुए लोगों को अपनी सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, ये कौन करता है इतनी मेहनत। बिल्कुल सही। तो आज हम लोग एक अच्छे उद्देश्य के साथ जुड़े, अगली बार हम एक नई सक्सेस के साथ जुड़ेंगे। अच्छे अच्छे लोग क्वेश्चन, और मैं आपसे दोनों से एक एक जानना चाहूंगा कि जैसे आप पहले वरद जी से जान लेते हैं, बड़े भाई हैं हमारे, कि सर आरएस के लिए क्या मूल मंत्र देना चाहोगे, इन सब का निचोड़ अगर आप कहना चाहो कि बस इस पे फोकस करो और इन इनसे दूर रहो तो आप आरएस बन जाओगे, तो क्या चीज छोड़ देनी चाहिए, चाहे भले वो व्यवहारिक में हो, कहीं की चलती है कि फोन अपने आप में एक बाधा होती है, ऐसी कई चीजें हैं, तो मेरे से ज्यादा आपको तो अनुभव है, और कौन कौन सी चीजें जो एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्या एक मूल मंत्र अब क्या कहना चाहोगे इसके लिए। तीन शब्द हैं, पहला है सकारात्मक दृष्टिकोण, जो बहुत जरूरी है किसी भी तैयारी के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए। दूसरा है आत्मविश्वास, अगर आप मेहनत अच्छी करते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप में डेवलप भी हो जाएगा। और तीसरा है कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत का जैसा कि सर ने भी बताया कि कोई विकल्प नहीं है, यही तीन मूल मंत्र है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है, तो कोई चीजें आपके लिए हार्मफुल नहीं है, ना मोबाइल हार्मफुल है, उसके उसके आप फायदे ही आप उससे उठाओगे अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है। तो आप तीन चीजों पर विशेष फोकस करें, सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और तीसरा कड़ी मेहनत, तो यही मूल मंत्र है। चाहे आप हिमालय पर्वत पे चढ़ना चाहे तो भी यही है, चाहे आप ISVC से बन सकते हैं, आप जो चाहे वो पा सकते हैं, बकायदा आप में कड़ी मेहनत करने का मादा हो, आपकी सोच सकारात्मक हो और आप आत्मविश्वास से भरपूर हो। अच्छा, जो हमारे चैनल के विद्यार्थी जो हमको देख पा रहे हैं, तो सर की सेवाएं लेने के लिए सर ने बताई दिया कि भरत गुर्जर RS नाम से आपका YouTube चैनल है, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और सर की सेवा ले सकते हैं। अच्छा, यही क्वेश्चन सर मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब से, बच्चन जी से, कि सर फर्स्ट ग्रेड के लिए, क्योंकि आप तो स्पेशल ज्योग्राफी, और मैं तो कहूँ राजस्थान में, सर का तो कल ही बोल रहे थे 25 राज्यों में तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि और बढ़ के ये केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों तक आपके कवर हो जाए, तो एक बार क्या मूल मंत्र आप क्या देना चाहोगे फर्स्ट ग्रेड के कॉलेज लेक्चरर नेट जारी विद्यार्थियों को। देखिए भाई, पहले तो मैं प्रशासनिक अधिकारी से बात जा नहीं सकता तो मेरा संवाद रखते हुए मैं कहना चाह रहा हूँ जी, क्या देखिए हम भूगोल में दो चीज पढ़ते हैं, एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। उसमें मैं बच्चे से कहता हूँ सब में एटीट्यूड है, ठीक है, तो हर चीज के लिए, हर सफलता के लिए आपका एटीट्यूड महत्वपूर्ण है। जिसका व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड है ना वह जीत सकता है, जिसके अंदर एटीट्यूड नहीं है ना वो कभी विजय नहीं हो सकता। ये पहला मंत्र है, तो पहले आप अपना एटीट्यूड बनाइए। आप ऐसा नहीं एटीट्यूड में आरएस बनोगे, एटीट्यूड के पीछे बहुत डिसिप्लिन होता है, हर चीज को पालन करना होता है। एटीट्यूड एक सब छोटा है लेकिन एटीट्यूड का मतलब होता है बहुत ब्रॉड है। जब हम लोग कभी चर्चा करेंगे एटीट्यूड के ऊपर, तो बहुत सारी चीजें हम लोग लगभग 12-13 उसके खंड है, अलग से जब व्यक्ति जैसे इनके अंदर एटीट्यूड आ गया, अब इन सब मिलता है तो बिल्कुल पोलाइट हो जाते हैं, कच्चे टीचर से लोग पोलाइट हो गए, और एक एटीट्यूड वो भी है वो आपको सीधे सीधे बात करेगा, तो वो एटीट्यूड नहीं है, वो उसका अभिमान है, वो उसका घमंड है। एटीट्यूड आएगा तो व्यक्ति की नेचर पूरा बदल जाता है, तो इसलिए पहले कहता हूँ पहले एटीट्यूड, और जिस दिन एटीट्यूड आ जाएगा उस दिन आपको कोई डर सकता है विजय कर लीजिए। हाँ ठीक है, तो आज तक मैं नहीं कह पाऊंगा जी, अभी एग्जाम सिर पे है, फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है, सेकंड ग्रेड की भी, आरएएस की भी काफी बेस्ट वैकेंसी है, बस जितनी अति शीघ्र सुनने में आ रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि हो चुका आगाज रंग का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रंग का युग बदलने की तैयारी,
और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। आज के लिए इतना ही सर, मैं आपका सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे चैनल में जुड़े और हमारे विद्यार्थियों के लिए आपने ये जो मार्गदर्शन दिया सराहनीय है और तारीफ काबिल, और सब विद्यार्थी आपके ये एहसान फरामस रहेंगे क्योंकि इसी मार्गदर्शन को लेकर के और वो अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम विराम करते हैं आज की इस सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई शख्सियत के साथ में। तब तक आपसे इजाजत चाहूंगा, जय हिंद जय भारत। थैंक यू।